साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहते हैं झूठ को बार बार बोला जाए, हर बार बोला जाए, घुमा फिरा कर बोला जाए तो कई बार झूठ भी सच लगने लगता है। ऐसा ही आर्यन खान के केस के दौरान नवाब मलिक ने किया। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ ऐसा ही किया। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से लगातार नवाब मलिक कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहे। ट्विटर पर समीर वानखेड़े के खिलाफ पर्सनल और प्रोफेशनल अटैक करते रहे, मगर अब नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब कोर्ट ने नवाब मलिक की चोंच को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कोर्ट ने मलिक को ऐसी फटकार लगाई है जिसके बाद तो नवाब मलिक वानखेड़े का नाम भी लेने से डरेंगे। इसी के साथ वानखेड़े की एनसीबी दफ्तर में दोबारा ज्वाइनिंग की तारीख भी पक्की हो गई है। तो क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट ने और कैसे बड़बोले नवाब मलिक का मुंह हो गया बंद, और समीर वानखेड़े किस दिन करेंगे ज्वाइन, आपको सब बताते हैं। आप भी समीर वानखेड़े को लेकर और बड़बोले नवाब मलिक को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक को अब तक लग रहा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो महाराष्ट्र का महाराज हूँ, मैं ट्विटर पर चाहे जिसके खिलाफ जो मन में आए लिख सकता हूँ, किसी की पर्सनल जिंदगी पर कितना भी कीचड़ उछाल सकता हूँ, किसी की जॉब पर कितना भी अटैक कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की इन सभी गलत फहमियों को दूर कर दिया है और नवाब मलिक का मुँह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को और उनके परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे और ना ही उनके बारे में कुछ कहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक द्वारा लगातार कई आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और उसी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को करारा झटका दिया है। कोर्ट के इस सख्त निर्देश के बाद नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे, और अगर नवाब मलिक अब भी ऐसा करेंगे तो मलिक को वानखेड़े के परिवार को 125 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे, जो कि मानहानि केस के दौरान समीर वानखेड़े के पिता ने मांगे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हाई कोर्ट में मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा मंत्री को और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी इस याचिका में 125 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे थे, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा कही हुई बातों से उनके परिवार की बहुत मानहानि हुई है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर नवाब मलिक या फिर उनका परिवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें हर्जाने के तौर पर 125 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के परिवार को देने होंगे। अब कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए। आर्यन खान के केस से उन्हें दूर करने के लिए ये बहुत गंदी साजिश समीर वानखेड़े के खिलाफ रची गई। मगर कोर्ट में अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है, और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि अब समीर वानखेड़े बहुत जल्द मुंबई का एनसीबी दफ्तर फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद समीर वानखेड़े थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे, मगर अब वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड में भूचाल लाने के लिए तैयार हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर से सूत्रों की माने तो 10 दिसंबर के बाद समीर वानखेड़े फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और एनसीबी दफ्तर में उनके रूम में आर्यन खान केस की तमाम फाइलें फिर से संभाल कर रखी जा रही है, जो कि अब तक एनसीबी अधिकारी संजय सिंह के केबिन में रखी हुई थी, क्योंकि अब आगे समीर वानखेड़े ही आर्यन केस को फिर से देखेंगे, इसीलिए सारी फाइलें संजय सिंह के केबिन से समीर वानखेड़े के रूम में पहुंचाई जा रही है।
तो समीर वानखेड़े के आने से बॉलीवुड की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान भले ही जमानत पर रिहा हैं, मगर उनके खिलाफ केस अभी खत्म नहीं हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि समीर वानखेड़े ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। तो आप भी समीर वानखेड़े की वापसी पर और बड़ बोले नवाब मलिक पर आए कोर्ट के फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अब तक तो बॉलीवुड में एक्टर या एक्ट्रेस की जान ली गई। दिव्या भारती, जिया खान, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे बाहरी टैलेंटेड कलाकारों का शिकार किया गया, मगर अब पहली बार एक ऑफिसर के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो भी बॉलीवुड में। जी हाँ, ये चौंकाने वाला और बेहद हैरान करने वाला खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही समीर वानखेड़े की वापसी की चर्चा शुरू हुई है, वैसे ही समीर वानखेड़े की जान को खतरा और भी बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो ये रिपोर्ट मुंबई की क्रिमिनल न्यूज वेबसाइट द्वारा छापी गई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को मारने की कोशिश हो सकती है और इसके लिए बॉलीवुड में बेहद गंदी और घिनौनी साजिश रची जा रही है। वैसे आपको याद दिला दे, पिछले साल भी ड्रग के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर जानलेवा हमला किया गया था और इसी साल आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े का पीछा किया गया था। खुद समीर वानखेड़े ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर दी थी। इसके बाद समीर वानखेड़े की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया था और अब एक बार फिर से ये खबरें आना कि समीर वानखेड़े की जान को खतरा है, ये वाकई में बेहद परेशान करने वाला है। अब ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हो सकता है बहुत जल्द समीर वानखेड़े दोबारा मुंबई वाला दफ्तर ज्वाइन कर ले और हो ये भी सकता है कि समीर वानखेड़े को जल्द ही आर्यन खान का ड्रग केस फिर से मिल जाए और अगर वानखेड़े दोबारा आर्यन केस को संभालेंगे तो बॉलीवुड के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका क्या हाल होगा। फिल्म इंडस्ट्री अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो ऑफिसर शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की औलाद को गिरफ्तार कर एक महीने जेल में रखवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब समीर वानखेड़े पर कितना भी लांछन क्यों ना लगाया जाए, कितना भी भला बुरा क्यों ना कहा गया हो, मगर ये सच है कि समीर वानखेड़े के नाम से बॉलीवुड में सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि खुद शाहरुख खान भी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। आर्यन खान को गिरफ्तार करने और एक महीने जेल में रखने से खार खाए शाहरुख खान अपनी लीगल टीम से एडवाइस ले रहे हैं और हो सकता है जल्द ही शाहरुख खान समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन ले, क्योंकि हाईकोर्ट के मुताबिक आर्यन खान के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये तय होता है कि आर्यन ड्रग लेने के लिए उस क्रूज पार्टी में गया था। हाईकोर्ट ने एनसीबी की गिरफ्तारी को फॉल्स करार दिया है, इसीलिए शाहरुख खान हाईकोर्ट की इस टिप्पणी और बेल ऑर्डर की कॉपी के जरिए समीर वानखेड़े के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है तब से ही शाहरुख खान समीर वानखेड़े के नाम से बेहद गुस्सा हैं, बेहद तिल मिलाए हुए हैं। शाहरुख खान हर कीमत पर समीर वानखेड़े को सबक सिखाना चाहते हैं और अपने बेटे का बदला लेना चाहते हैं। अब बॉलीवुड में कैसा बदला लिया जाता है ये आप और हम से छिपा नहीं है। अब तक तो ये बॉलीवुड वाले आउटसाइडर्स की जान लेते आ रहे हैं, मगर पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर की जान लेने की गंदी साजिश चल रही है। इसी रिपोर्ट की माने तो बॉलीवुड के कुछ गिने चुने गैंगबाज दुबई गैंग से मिलकर समीर वानखेड़े का काम तमाम करना चाहते हैं और इसके लिए सुपारी दिए जाने तक का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। तो क्या समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी को अपनी ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? क्या हमारे देश में ईमानदारी से काम करने का ऐसा ही परिणाम होता है? और क्या अब वक्त आ गया है कि देश के गृह मंत्री को समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के लिए स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें आजादी से काम करने की पूरी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि ड्रग के जाल में युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके और बर्बाद करने वाले यूं खुलेआम न घूम सके। तो आपका समीर वानखेड़े को लेकर और बॉलीवुड में चल रहे गंदे षड्यंत्र को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।